नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी वीडियो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, उन सब की रिकमेंडेशन पर आज की वीडियो हम लेके आए हैं, जिसमें जनवरी 2018 से जून 2018 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। यानी जनवरी 2018 से जून 2018, 6 महीने की 2018 की सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। दोस्तों, 2 जुलाई 2018 से अभी 2 दिन बाद DSSB PGT का एग्जाम होने वाला है। उसी के साथ साथ TGT PRT बैंकिंग के एग्जाम होंगे, SSC के CGL जैसे एग्जाम आने वाले हैं, UPSC का मेंस आएगा, हरियाणा के पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं, रेलवे की काफी सारी वैकेंसी पेंडिंग है। तो अपने जितने भी इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले इन 4-5 महीनों में आने वाले हैं 2018 में, इन सभी के लिए ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि साथियों, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जितने भी सब्जेक्ट आपके कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में होते हैं, उनमें से यही एक ऐसा पोर्शन है जो आप लोगों से अनटच होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे दूसरे सोशल सब्जेक्ट या साइंस सब्जेक्ट हो, वो सभी वो सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्कूल में हमने पढ़ा, कॉलेज में हमने देखा, प्रोफेशनल कोर्स में हमने देखा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमने पढ़ा। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो उस समय घटित ही नहीं हुआ था, ये पिछले 5-6 महीनों में चीजें सामने आई हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए काफी टफ होने वाला है। और आज के समय किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का क्या रोल है, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो साथियों, ध्यान रखना है, पूरी वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ध्यान से देखना है। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार इस वीडियो क्लास को आप देखेंगे, उतनी बार आप अपने आप के अंदर एक निखार पाएंगे। साथियों, अगर आपको आने वाले समय में किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, तो करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। एक और चीज दोस्तों, स्क्रीन पे मैंने आप लोगों को अपना नंबर दिया है, 8447410108। किसी भी साथी को किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है, कोई भी नोट्स चाहिए, किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे बिना हेजिटेशन के मैसेज कर सकते हैं। कमेंट के अंदर आप मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाले एग्जाम में जहां जहां आपको क्वेश्चन मिलता है, आप मुझे बताएंगे कि सर, हमें यहाँ से इस वीडियो से क्वेश्चन मिला, और बीच बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं जो आप लोगों के टेस्टिंग के लिए हैं, तो उन क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट में बताएं। और दोस्तों, बस एक ही रिक्वेस्ट है, जितनी बार आप इसको देख सकते हैं देखें, जितने साथियों को पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, और कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि एग्जाम से 5-7 घंटे पहले आप लोग सिर्फ नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो इसलिए वो नोट्स और ये वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का है, वो रहेगा अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको कहेंगे IWAI, यानी इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया दोस्तों भारत का वो डिपार्टमेंट है जो हमारे देश के वाटर ट्रांसपोर्ट को सुनिश्चित करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करता है। IWAI ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया है जो $375 मिलियन का है। दोस्तों दोबारा देखें इसको, IWAI इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ $375 मिलियन का एक एग्रीमेंट किया है, जो एग्रीमेंट 2 फरवरी 2018 को किया गया है। और इस पैसे से हम लोग भारत के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अपने देश में दोस्तों, एक जिस प्रकार से हम रोड के ऊपर नेशनल हाईवे बनाते हैं, वैसे ही हमारे वाटर के अंदर भी नेशनल हाईवेज हैं, उनको हम कहते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम इंडिया में देखते हैं तो भारत का नेशनल वाटर वे वन, भारत का नेशनल वाटर वे वन वो है इलाहाबाद से हल्दिया तक, जो 1620 किलोमीटर लंबा है, गंगा नदी के अंदर है।
चार स्टेटों से होकर गुजरता है। ये भारत का सबसे लंबा इंटरनल वाटरवे है। इसको डेवलप करने के लिए ये पैसा भारत ने वर्ल्ड बैंक से लिया है। उसके बाद सेकंड सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, असम के पहले वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2018, या फिर इंग्लिश वाले बच्चे इसको कह सकते हैं असम यानी फर्स्ट असम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2018 कब हुई दोस्त, और इसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों? इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये समिट हुई थी 3 फरवरी 2018 को। यहां आपको ये भी पता होना चाहिए कि असम के मुख्यमंत्री कौन है। असम के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों सर्वानंद सोनोवाल। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी न्यूज है दोस्तों आपकी इस महीने की, सीएसएल। सीएसएल दोस्तों भारत की सबसे बड़ी पोत निर्माण कंपनी है। समुद्री जहाज बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। फुल फॉर्म रहेगी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में एक समझौता किया है दोस्तों। इसका आंसर रहेगा फोर्थ, यूनाइटेड शिप बिल्डर कॉरपोरेशन यानी USBC। दोस्तों ये रसिया की कंपनी है, यानी इंडिया की सीएसएल और रसिया की यूएसबीसी ने हाल ही में भारत के अंदर जहाजों और पोत के निर्माण के लिए एक एग्रीमेंट किया है। और ये एग्रीमेंट दोस्तों 2 फरवरी 2018 को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस के प्रधानमंत्री इन दिनों अपने परिवार के साथ 7 दिवसीय यात्रा पर भारत आए, 6 दिवसीय यात्रा के ऊपर भारत आए हैं? तो इसमें आपका आंसर रहेगा दोस्तों कनाडा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के अंदर आए हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है भारत के अंदर कि इनका कोल्ड वेलकम हुआ है। कोल्ड वेलकम होने के कई सारे रीजन हैं दोस्तों, इनको हम किसी भी एक वीडियो में जल्दी ही कवर करने वाले हैं। बट हाल ही में हम सिर्फ ये देखेंगे कि भारत के अंदर किस देश के प्रधानमंत्री अपनी 7 देश की यात्रा पे हाल ही में आए। कनाडा विल बी राइट आंसर, और नाम रहेगा जस्टिन ट्रूडो। वो कनाडा के 32वें नंबर के प्रधानमंत्री भी हैं, जो आगरा भी गए हैं, साबरमती आश्रम, गांधी जी के आश्रम में भी गए हैं, कई जगह उनकी यात्राएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने 65 मंजिला ट्विन टावर व्यापार केंद्र की स्थापना के लिए एनबीसीसी के साथ समझौता किया है? दोस्तों इसका आंसर रहेगा आसाम। बट इसके साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यह मामला है क्या, ट्विन टावर ट्रेड सेंटर। दोस्तों ये आसाम की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसके 65 फ्लोर होंगे। 65 फ्लोर का ट्विन टावर ट्रेड सेंटर आसाम सरकार बनाने जा रही है, और उन्होंने इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है, सग्जेस्टर करवाए हैं। किससे? एनबीसीसी से। एनबीसीसी है क्या, पहले इसको देखते हैं। एनबीसीसी का मतलब होता है दोस्तों नेशनल बिल्डिंग, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को, कमर्शियल बिल्डिंगों को जो लाइसेंस देता है उसे एनबीसीसी कहा जाता है। इसके साथ समझौता हुआ है। इसकी भी डेट रहेगी दोस्तों 2 फरवरी 2018। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी पर विश्व कांग्रेस 2018 किस शहर में आयोजित की गई है? इसका आंसर दोस्तों हमारा रहेगा, इसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें तो इंग्लिश में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर रहेगा हैदराबाद। इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो इंग्लिश में रहेगा ये वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हैदराबाद में चल रही है दोस्तों, 19 से 21 फेब के बीच में हुई है ये हाल ही में। प्रधानमंत्री द्वारा इसका, अगर इसका उद्घाटन देखें तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस समय यहाँ मौजूद नहीं थे। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखना हमने कि हैदराबाद है कहाँ। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों, और तेलंगाना के
जो सीएम है आज के समय वो भी हम यहाँ देख लेते हैं, तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। और ये जो प्रोग्राम करवाया गया है ये तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना सरकार और एनएएसएससी द्वारा करवाया गया है। एनएएसएससी का मतलब होता है नेशनल अलायंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नोबल प्राइज श्रृंखला 2018 यानी नोबल प्राइज सीरीज 2018 का सेकंड पार्ट की मेजबानी किसने किया है, किसने इसको होस्ट किया है? गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के सीएम कौन है? श्री मनोहर पारिकर, श्री मनोहर परिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सूरजकुंड कलेक्शन मेला 2018 का थीम राज्य कौन सा रहा है? आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। हरियाणा के फरीदाबाद में ये मेला लगा, 1987 से लगता आ रहा है। आपकी बार 32वें नंबर का था 2018 में, आपकी बार का थीम स्टेट यूपी था, लास्ट टाइम का था दोस्तों झारखंड। 2 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक ये मेला हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने महिलाओं को पुरुष विवाह की अनुमति के बिना व्यवसाय करने की परमिशन दी दोस्तों? इसका आंसर रहेगा सऊदी अरब। और लास्ट है टाइम पावर महिला 2017 अवार्ड किसे दिया गया? शबनम अस्थाना को, ये पूना की रहने वाली, ये 2017 का है, दिया गया है इसको 1 फरवरी 2018 को। आज की करंट अफेयर्स में इतना है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम 1-2 दिन के अंदर। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आज के टॉपिक में जो है वो है, किस देश के राष्ट्रपति जैकब जुमा, ध्यान रहे दोस्तों ये नाम, जैकब जुमा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है दोस्तों। जैकब जुमा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, और इसके इस्तीफा यानी रिजाइन का जो रीजन बताया गया है वो कहा जाता है कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा करप्शन के चार्जेस थे और उसके साथ साथ सेक्स स्कैंडल में भी इसके फंसने की खबरें आई रही हैं। इनकी जो पार्टी है दोस्तों उसका नाम है ANC, फुल फॉर्म रहेगी इसमें, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये वही पार्टी है दोस्तों जिसके राष्ट्रपति एक जमाने में नेल्सन मंडेला जी हुआ करते थे, जो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत ने भी भारत रत्न दिया हुआ है। हाल ही में उनके राष्ट्रपति जैकब जुमा ने रिजाइन दिया है। इसके अंदर एक भारतीय गुप्ता फैमिली का भी हाथ बताया जाता है, जो साउथ अफ्रीका का सबसे अमीर अश्वेत परिवार बताया जाता है, जो कुछ सालों पहले यूपी के सहारनपुर से निकल के गए थे। दूसरा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे यानी इंटरनेशनल रेडियो डे, इसमें आपके पास ऑप्शन है 10, 12, 13, 19। इसका आंसर रहेगा दोस्तों 13 फेब, 13 फरवरी। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह भी हो सकता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको सेलिब्रेट करता है? दोस्तों इसको सेलिब्रेट करता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेड ऑफिस दोस्तों पेरिस में है, ये भी आपको साथ साथ में डिस्कस हो जाना चाहिए। और भारत में इस डे की क्या वैल्यू है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा रेडियो लिसनर हैं, क्योंकि देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, शुरू से ही हमारे देश में रेडियो को काफी महत्व दिया जाता है। और आजकल तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जब से मन की बात कार्यक्रम होना शुरू हुआ है तब से रेडियो के अंदर एक नई जान भारत में आई है दोस्तों। भारत के अंदर थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, रेडियो की शुरुआत इंडिया में 1930 से हुई थी जब पहला चैनल यहाँ प्रसार भारती ओपन किया गया। 1956 में सरकार ने इस प्रसार भारती को ही ऑल इंडिया रेडियो के नाम से नेशनलाइज्ड कर दिया गया। आज हमारे पास ये सबसे बड़ा चैनल है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में कितने स्वर्ण पदकों के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा? स्वर्ण पदक दोस्तों गोल्ड मेडल। यहां हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान रखते हुए हम लोग इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो है हाल ही में 31 जैन से 8 फेब 2018 तक हुए,
इनमें हरियाणा आंसर रहेगा आपका, हरियाणा 38 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पे रहा है। दूसरे नंबर पे रहा है महाराष्ट्र, दोनों ही आपके पास प्रश्न यहां आ जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2018 को 9 समझौते किए हैं किस देश के साथ। इसमें आपके पास ऑप्शन है ओमान, फिलिस्तीन, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर रहेगा दोस्तों सी, ईरान। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर रूहानी, वो हाल ही में भारत आए हुए हैं और उन्होंने भारत के साथ 9 समझौतों के ऊपर यानी 9 एमओयूज के ऊपर साइन किए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में आपसे यहां डिस्कस कर देता हूं। सबसे मेन जो समझौता देखा जा रहा है वो चाहबार पोर्ट को देखा जाता है। चाहबार पोर्ट, ये चाहबार पोर्ट वो पोर्ट है जो ईरान की एक पोर्ट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है चाहबार पोर्ट का संबंध किस देश से है, और इस पोर्ट को लेकर के हमारे देश काफी गंभीर है। दोनों देशों के बीच में 2-3 बार इसके ऊपर समझौते हो चुके हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि हाल ही में जो भारतीय मुस्लिम भाई हज की यात्रा पे गए हैं उनको भारत ने पाकिस्तान चाइना के रास्ते भेजने की बजाय चाहबार पोर्ट से भेजा गया है। ये भारत का एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताई जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों बिहार। धर्म सम्मेलन का संबंध बौद्ध धर्म से है और बिहार को बौद्ध धर्म की धरती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस को कब से कब मनाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है ए 18 फेब, बी 12 फेब, सी 9 फेब और डी 15 फेब। इसका आंसर रहेगा दोस्तों 12 फरवरी। 12 फरवरी से हम नेशनल प्रोड्यूसिंग डे मनाते हैं। ये दिन भारत के अंदर काफी वैल्यू रखता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 2018 में कौन से नंबर का ये दिन मनाया गया है। 60वें नंबर का मनाया गया है, क्योंकि 1958 से हम इसको मनाते जा रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित शतरंज चैंपियनशिप का 13वां संस्करण किसने जीता। इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर देता हूं, नेशनल चेस चैंपियनशिप फॉर ब्लाइंड टूर्नामेंट। दोस्तों ये जो दृष्टि बाधित लोग हैं, हमारे जो भाई हैं जो ब्लाइंड पर्सन हैं, उनके लिए चेस चैंपियनशिप करवाई गई थी। ये सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यही रहेगा कि किसने जीता है। इसमें ऑप्शन आपके पास 4 हैं और इसमें जो आंसर रहेगा आपके पास वो डी रहेगा, किशन गांगुली। किशन गांगुली का जो संबंध है दोस्तों वो कर्नाटक से है। कर्नाटक का रहने वाला ये भारतीय युवा खिलाड़ी है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये टूर्नामेंट कब हुई। ये टूर्नामेंट हाल ही में हुई और कहां हुई, मुंबई में इसका आयोजन करवाया गया। और इसको करवाने वाला जो संगठन है, इस टूर्नामेंट को करवाने वाला, उसका नाम है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर ब्लाइंड। ये फुल फॉर्म देखना दोस्तों, ए से बनेगा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर ब्लाइंड, ये इस टूर्नामेंट को करवाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 10 फरवरी 2018 को 5 समझौते किए हैं, वो किस देश के साथ हुए। इस महीने में दोस्तों भारत के कई देशों के साथ समझौते हुए हैं। हर किसी को आपको बड़ा सीरियस लेकर चलना है, क्योंकि आज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का पैटर्न बड़ा चेंज हो चुका है। ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं कि किन किन देशों के साथ हमारे एमओयूज हुए हैं और क्या क्या है। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा, ओमान, आयरलैंड, फलस्तीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास डी, संयुक्त राज्य अमीरात यानी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी राजधानी है दोस्तों आबू धाबी। अच्छा, इसमें 5 एग्रीमेंट हुए हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, यहीं पे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक मंदिर की नींव रखी गई है जिसे 2020 तक पूरा किया जाएगा। ये एशिया का काफी देखने लायक मंदिर होगा। दूसरे इसके जो 5 एग्रीमेंट हैं उनमें से सबसे पहला जो एग्रीमेंट है वो है ONGC और आबू धाबी की ऑयल कंपनी के बीच में। दूसरा एग्रीमेंट इसके अंदर एक और है जो भारत की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और आबू धाबी की सिक्योरिटी एक्सचेंज के बीच में हुआ है।
और उसके साथ हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका आंसर रहेगा अब्दुल्ला यामीन। एक बात और बता देता हूं आपको मैं यहाँ, मालदीव के अंदर यामीन ने हाल ही में राष्ट्रपति शासन लागू किया है, यानी जिसको एमरजेंसी बोलते हैं। भारत का एक पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश है, हमारे लिए काफी महत्व है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का है, वो रहेगा अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको कहेंगे IWAI, यानी इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया दोस्तों भारत का वो डिपार्टमेंट है जो हमारे देश के वाटर ट्रांसपोर्ट को सुनिश्चित करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करता है। IWAI ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया है जो $375 मिलियन का है। दोस्तों दोबारा देखें इसको, IWAI इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ $375 मिलियन का एक एग्रीमेंट किया है, जो एग्रीमेंट 2 फरवरी 2018 को किया गया है, और इस पैसे से हम लोग भारत के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अपने देश में दोस्तों एक जिस प्रकार से हम रोड के ऊपर नेशनल हाईवे बनाते हैं, वैसे ही हमारे वाटर के अंदर भी नेशनल हाईवेज हैं, उनको हम कहते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम इंडिया में देखते हैं तो भारत का नेशनल वाटर वे 1, भारत का नेशनल वाटर वे 1 वो है इलाहाबाद से हल्दिया तक, जो 1620 किलोमीटर लंबा है, गंगा नदी के अंदर है, 4 स्टेटों से होकर गुजरता है। ये भारत का सबसे लंबा इंटरनल वाटर वे है। इसको डेवलप करने के लिए ये पैसा भारत ने वर्ल्ड बैंक से लिया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, असम के पहले वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2018, या फिर इंग्लिश वाले बच्चे इसको कह सकते हैं असम, यानी फर्स्ट असम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2018 कब हुई दोस्त, और इसका उद्घाटन किसने किया? दोस्तों इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये समिट हुई थी 3 फरवरी 2018 को। यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि असम के मुख्यमंत्री कौन है। असम के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों सर्वानंद सोनोवाल। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी न्यूज है दोस्तों आपकी इस महीने की, सीएसएल दोस्तों भारत की सबसे बड़ी पोत निर्माण कंपनी है, समुद्री जहाज बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। फुल फॉर्म रहेगी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में एक समझौता किया है दोस्तों, इसका आंसर रहेगा फोर्थ, यूनाइटेड शिप बिल्डर कॉरपोरेशन, यानी USBC। दोस्तों ये रशिया की कंपनी है, यानी इंडिया की सीएसएल और रसिया की यूएसबीसी ने हाल ही में भारत के अंदर जहाजों और पोत के निर्माण के लिए एक एग्रीमेंट किया है, और ये एग्रीमेंट दोस्तों 2 फरवरी 2018 को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस के प्रधानमंत्री इन दिनों अपने परिवार के साथ 7 दिवसीय यात्रा पर भारत आए, 6 दिवसीय यात्रा के ऊपर भारत आए हैं? तो इसमें आपका आंसर रहेगा दोस्तों कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के अंदर आए हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है भारत के अंदर कि इनका कोल्ड वेलकम हुआ है। कोल्ड वेलकम होने के कई सारे रीजन हैं दोस्तों, इनको हम किसी भी एक वीडियो में जल्दी ही कवर करने वाले हैं, बट हाल ही में हम सिर्फ ये देखेंगे कि भारत के अंदर किस देश के प्रधानमंत्री अपनी 7 देश की यात्रा पर हाल ही में आए। कनाडा विल बी राइट आंसर, और नाम रहेगा जस्टिन ट्रूडो। वो कनाडा के 32वें नंबर के प्रधानमंत्री भी हैं, जो आगरा भी गए हैं, साबरमती आश्रम गांधी जी के आश्रम में भी गए हैं, कई जगह उनकी यात्राएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने 65 मंजिला
ट्विन टावर व्यापार केंद्र की स्थापना के लिए एनबीसीसी के साथ समझौता किया है? दोस्तों इसका आंसर रहेगा असम, बट इसके साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यह मामला है क्या। ट्विन टावर ट्रेड सेंटर, दोस्तों ये आसाम की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसके 65 फ्लोर होंगे। 65 फ्लोर का ट्विन्स टावर ट्रेड सेंटर आसाम सरकार बनाने जा रही है और उन्होंने इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है, सग्जासर करवाए हैं। किससे? एनबीसीसी से। एनबीसीसी है क्या? पहले इसको देखते हैं। एनबीसीसी का मतलब होता है दोस्तों नेशनल बिल्डिंग, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को, कमर्शियल बिल्डिंगों को जो लाइसेंस देता है उसे एनबीसीसी कहा जाता है। इसके साथ समझौता हुआ है। इसकी भी डेट रहेगी दोस्तों 2 फरवरी 2018। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी पर विश्व कांग्रेस 2018 किस शहर में आयोजित की गई है? इसका आंसर दोस्तों हमारा रहेगा, इसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें तो इंग्लिश में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर रहेगा हैदराबाद। इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो इंग्लिश में रहेगा ये वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हैदराबाद में चल रही है दोस्तों, 19 से 21 फेब के बीच में हुई है ये। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इसका, अगर इसका उद्घाटन देखें तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस समय यहाँ मौजूद नहीं थे। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखना हमने कि हैदराबाद है कहाँ। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों, और तेलंगाना के जो सीएम है आज के समय वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, और ये जो प्रोग्राम करवाया गया है ये तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना सरकार और एनएएसएससी द्वारा करवाया गया है। एनएएसएससी का मतलब होता है नेशनल अलायंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नोबेल प्राइज श्रृंखला 2018 यानी नोबेल प्राइज सीरीज 2018 का सेकंड पार्ट की मेजबानी किसने किया है, किसने इसको होस्ट किया है? गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के सीएम कौन है? श्री मनोहर पारिकर, श्री मनोहर पारिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सूरजकुंड कलेक्शन मेला 2018 का थीम राज्य कौन सा रहा है? आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। हरियाणा के फरीदाबाद में यह मेला लगा, 1987 से लगता आ रहा है। आपकी बार 32वें नंबर का था 2018 में, आपकी बार का थीम स्टेट यूपी था, लास्ट टाइम का था दोस्तों झारखंड। 2 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक ये मेला हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने महिलाओं को पुरुष विवाह की अनुमति के बिना व्यवसाय करने की परमिशन दी दोस्तों? इसका आंसर रहेगा सऊदी अरब। और लास्ट है टाइम पावर महिला 2017 अवार्ड किसे दिया गया? शबनम अस्थाना को, ये पूना की रहने वाली, ये 2017 का है, दिया गया है इसको 1 फरवरी 2018 को। आज की करंट अफेयर्स में इतना है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम एक दो दिन के बाद है दोस्तों। दक्षिणी एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2018 किस देश में आयोजित की जा रही है? यानी साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2018 किस देश में आयोजित की जा रही है? आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर इसका आयोजन है। क्वेश्चन नंबर 17, किस शहर में खेल पहल स्टार खेल महाकुंभ शुरू की गई है? दोस्तों स्टार खेल महाकुंभ एक नए युवा खिलाड़ियों को, उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को एक सहयोग देकर के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर चमकाने का एक प्रयास है। तो किस शहर में इसकी शुरुआत की गई है? आंसर है दोस्तों धर्मशाला। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर मैं लास्ट में क्वेश्चन आपको आज देने वाला भी हूँ।
क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इतिहास पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए समिति बनाने की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर वैसे तो है पंजाब, लेकिन हमें इस चीज को समझना भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी कितने सदस्यों की बनाई गई है? 6 सदस्यों की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी को क्या काम दिया गया है? इस कमेटी को काम दिया गया है कि इतिहास पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगा। ये मुद्दा कब निकल के आया? पंजाब के अंदर, पंजाब जो स्कूल बोर्ड है उसकी 12th की हिस्ट्री की बुक के अंदर अब की बार सिलेबस में से सिख और गुरु गोविंद सिंह जी के चैप्टर गायब मिले, जिसके बाद पंजाब के सिखों में, वहां के अलग अलग संगठनों में और आम जनता में गुस्सा नजर आया कि पंजाब के इतिहास से आप सिखों और गुरु गोविंद सिंह के चैप्टर को कैसे नदारद कर सकते हैं। तो उसके बाद आंदोलन हुआ, जनता का रुख सरकार ने समझा और मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई जो इस विषय की जांच करेगी। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार आयोजित किया जा रहा है? कौन से राज्य में सैन्य अभ्यास मिलिट्री ऑपरेशन विजय प्रहार आयोजित किया जा रहा है? आंसर होगा आपका राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर की महाजन रेंज के अंदर 20,000 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और एयरफोर्स और आर्मी दोनों का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा देश हवाई यात्री यातायात के लिए सबसे तेजी से उभरने वाला दूसरा देश बन गया है? यहाँ पे आंसर होगा भारत। सी आपका इसमें आंसर रहेगा। उसके बाद है दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन। आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। स्टार खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में भारत की 2 महान हस्तियों ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट लिस्ट में देना है। देखते हैं कितने दोस्त हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर सही देने की हिम्मत रखते हैं, कितने साथी हैं जो कहीं ना कहीं के सर्च करके भी इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। नीचे एक सूचना है दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, चाहे एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, राज्य में सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री ऑपरेशन विजय प्रहार आयोजित किया जा रहा है, यानी भारत के किस राज्य में सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री ऑपरेशन विजय प्रहार के नाम से आयोजित किया जा रहा है, दोस्तों आंसर रहेगा आपका राजस्थान। बी इज राइट आंसर। राजस्थान के अंदर सैन्य अभ्यास विजय प्रहार आयोजित किया जा रहा है। यह बीकानेर, अगर जगह पूछते हैं तो बीकानेर के महाजन फायरिंग स्टेशन के पास ये अभ्यास चल रहा है, और इसको, इसके अंदर 20,000 सैनिक हिस्सा लेंगे, और यह वायुसेना और थल सेना दोनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्हें भारत की पुरुष हॉकी टीम के नए कोच के रूप में नामित किया गया है। आंसर होगा दोस्तों हरेंद्र ए। भारतीय हॉकी टीम के, पुरुष भारतीय हॉकी टीम के नए कोच होंगे हरेंद्र सिंह, जो एक सीनियर हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा यानी सोल कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा बी, मौलिक अधिकार। अगर आर्टिकल पूछे जाते तो आंसर होता 32 आर्टिकल। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन यहाँ छोड़ रहा हूँ, जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। देखता हूँ आप लोग कितने सीरियस हैं और हमारी वीडियोज से कितने अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि भारतीय संविधान की यानी चाबी किसे कहा जाता है? यहाँ क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय संविधान की या फिर चाबी किसे कहा जाता है? आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे जरूर दें, ताकि पता रहे कि आप लोग कितनी सीरियसनेस के साथ हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा है? आंसर होगा दोस्तों विराट कोहली।
साल से 16, 17 और 18, 3 साल से बीसीसीआई कंटिन्यू विराट कोहली का नाम भारत सरकार के पास राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए भेज रही है। देखते हैं 2018 में उनकी किस्मत में खेल रत्न अवार्ड है या नहीं है। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, खेल रत्न अवार्ड भारत में 1991-92 में शुरू किया गया था। कई बार क्वेश्चन आता है किसके नाम से दिया जाता है, राजीव गांधी जी के नाम से दिया जाता है। और पहली बार ये चेस के जो खिलाड़ी हैं, शतरंज के जो खिलाड़ी हैं भारत के, विश्वनाथ आनंद को पहली बार दिया गया था 1992 में। अगर 2017 की हम बात करते हैं तो 2017 में देवेंद्र जांझरिया और सरदारा सिंह, इन दो लोगों को 2017 में दिया गया था। सरदारा सिंह का संबंध दोस्तों हॉकी से है और देवेंद्र जांझरिया पैरा एथलीट रहे हैं भारत के, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडिया के लिए मेडल ला चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देश दुनिया की पहली महिला विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है? कनाडा में दोस्तों दुनिया की पहली वोमेन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने स्पोर्ट्स कार में बदल जाने वाले रोबोट को बनाने में कामयाबी हासिल की है? जापान इज राइट आंसर। जापान ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो स्पोर्ट्स कार में तब्दील हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों भारत की रैंक अगर देखी जाए तो इसमें इंडिया की रैंक 138 है, पाकिस्तान की रैंक इसमें 139 है। फर्स्ट नंबर जो रैंक है दोस्तों वो नॉर्वे की है, सेकंड नंबर जो रैंक है वो स्वीडन की है। लास्ट ईयर भी नॉर्वे को फर्स्ट और स्वीडन को सेकंड ही मिला था। इंडिया को 138 नंबर पे मिला है, 139 नंबर के ऊपर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को मिला है, हमसे बाद में नॉर्थ कोरिया भी है, यूएसए भी है, सबसे लास्ट में अगर देखते हैं तो इजराइल का नंबर और ग्वेनाडा का नंबर सबसे बाद में आता है। क्वेश्चन नंबर 8, 2018 के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का विषय क्या रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा पावरिंग चेंज वीमेन इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आंसर विल बी सी, पावरिंग चेंज वीमेन इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी वर्ष 2018 के विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का विषय रहा है। कौन सा देश वर्ष 2018 के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेजबानी कर रहा है, यानी भारत में 2018 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा? इसको दोस्तों 5 जून को हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, उस हॉलीवुड अभिनेता का नाम बताएं जिसे 32वें अमेरिकी सिनेमाथेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 32वें नंबर का अमेरिका का सिनेमाथेक अवार्ड ब्रैडली कूपर को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हर साल 24 साल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसे किस वर्ष पहली बार मनाया गया? आंसर होगा दोस्तों 2008। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को हम जो मनाते हैं 2008 से मनाना शुरू किया, अब की बार 2018 में इसे 10वीं बार मनाया गया। अगर पंचायती राज की बात करें तो 1992 के एक्ट के तहत पंचायती राज कानून बना था जिसमें 73 अमेंडमेंट के तहत ग्राम पंचायतों को मान्यता मिली और 74 अमेंडमेंट के तहत नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों को मिली। 1993 में इन्हें लागू किया गया और हम हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस दोस्तों गांधी जी का ड्रीम हुआ करता था और बलवंत राय मेहता कमेटी किसी पोस्ट के आधार पर इन्हें शुरू किया गया। भारत में पहली बार एक्सपेरिमेंट के रूप में जो चुनाव हुए वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सबसे पहले शुरू हुए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड अर्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर रहेगा दोस्तों 22 अप्रैल। 8वें नंबर के दक्षिण एशियाई जूडो चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जा रही है? आंसर होगा दोस्तों यहाँ नेपाल। आयुष्मान भारत मिशन किससे संबंधित है? आंसर है दोस्तों हेल्थ, स्वास्थ्य। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है दोस्तों जिसमें
अगर सही से देखा जाए तो जिसके अंदर 50 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा, यानी 10 करोड़ परिवार फैमिली, एक परिवार का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, यानी 10 करोड़ फैमिली, 50 करोड़ लोग, 5 लाख का इंश्योरेंस, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही है। इसी बजट में 2018-19 के बजट में इसका प्रावधान है। यूएसए के ओबामा केयर से इसको कहते हैं कॉपी किया गया है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य में पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली 25 मई को, अगर क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो आपका आंसर होगा झारखंड में, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस दिन ये इनोग्रेशन हुआ। दोस्तों, 25 मई 2018 को ये इनोग्रेशन हुआ। जगह पूछी जाए तो झारखंड के अंदर पतरातू नामक स्थान पर। तीन क्वेश्चन यहां होंगे। 25 जून को इनोग्रेशन हुआ, पतरातू नामक सुपर पावर थर्मल प्लांट का इनोग्रेशन हुआ, झारखंड के अंदर यह जगह पड़ती है, स्टेट झारखंड होगा, और इनोग्रेशन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दो, वैश्विक पवन ऊर्जा सम्मेलन 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हैमबर्ग। हैमबर्ग जर्मनी का एक शहर है, और 2018 का वैश्विक यानी ग्लोबल पवन ऊर्जा समिट जो सम्मेलन है वो हैमबर्ग जर्मनी के शहर में होगा। और इसकी डेट मैं आपको और बता देता हूं, इसकी डेट रहेगी 25 से 28 सितंबर 2018 को ये होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पाकिस्तान का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अंतरिम को दोस्तों यहाँ हम इंटरनल कहते हैं। इंटरनल पीएम किस व्यक्ति को पाकिस्तान का अभी बनाया गया है? तो यहाँ दोस्तों आंसर होगा नासिर उल मुल्क। नासिर उल मुल्क हैं कौन? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज हैं, जिन्हें अभी अभी पाकिस्तान का इंटरनल प्रधानमंत्री बनाया गया है। जब तक पाकिस्तान में चुनाव नहीं होते, नया प्रधानमंत्री चुन के नहीं आता है, नासिर उल मुल्क उस पद को ग्रहण करके रहेंगे। क्वेश्चन नंबर चार, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा यानी वर्ल्ड बैंक समर्थित स्वच्छ भारत विज्ञापन अभियान को किस फिल्म अभिनेता द्वारा लॉन्च किया गया है? सीधी सी बात है दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान हो, टॉयलेट की व्यवस्थाएं हो, अच्छी अच्छी ऐसे विषयों पर मूवियां आने वाली हो, तो वो सारी ही अक्षय कुमार को डेडिकेट आजकल हमें दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, आंसर होगा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्पित स्वच्छ भारत विज्ञापन अभियान को लॉन्च किया है, और इसकी डेट रहेगी दोस्तों 27 मई, 27 मई 2018 को अक्षय कुमार ने इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसे कहाँ लॉन्च किया गया, तो आपका आंसर होगा दिल्ली, जिसे हम न्यू दिल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच, भारत ने हाल ही में किस देश में अपना दूसरा आईटी कॉरिडोर बनाया है? दोस्तों, भारत ने आईटी सेक्टर की सफलता को देखते हुए हाल ही में दूसरा आईटी कॉरिडोर किसी देश में बनाया है। आंसर होगा चाइना। आंसर आपका यहाँ पे डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर पांच, भारत ने अपनी सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूस से किस मिसाइल रोधी प्रणाली की खरीद पर बातचीत प्रक्रिया पूरी कर ली है? दोस्तों, भारत, इसका आंसर रहेगा आपका रसिया। रसिया के साथ हमने अभी अभी ये समझौता किया है, और इसका आंसर आपका यहाँ पे आ सकता है S-400। S-400 यानी S-400। भारत और रूस के बाद काफी लंबे समय से यह डिस्कस चल रही थी कि रसिया भारत को S-400 देगा, जिसका मुख्य काम है मिसाइल रोधी प्रणाली यानी एंटी मिसाइल सिस्टम, जो रसिया ने हमें भारत को देने की अभी सहमति कर दी है। क्वेश्चन नंबर सात, किस देश में जर्मन संग्रह से गर्भपात पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया गया है? दोस्तों, यहां आपका आंसर होना चाहिए आयरलैंड। आयरलैंड ने हाल ही में जनमत संग्रह कराया है, जैसे इंग्लिश वाले बच्चे पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, जन संबंधी मामलों पर जनता की जब वोटिंग होती है आम इंसान की, तो उसे पब्लिक ओपिनियन कहा जाता है। आयरलैंड में जनमत संग्रह से गर्भपात पर लगा हुआ जो प्रतिबंध था उसको खत्म कर दिया गया है। जनमत संग्रह के द्वारा इस प्रतिबंध को हाल ही में हटा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आठ, कर्नाटक के किस नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक की सड़क हादसे में हाल ही में मौत हुई है? कर्नाटक का अभी ताजा चुना गया एक कांग्रेस का विधायक था, जिसकी हाल ही में सड़क हादसे में मौत हो गई है। उसका आंसर है दोस्तों सिद्धू बी न्यामगोड़ा। सिद्धू बी न्यामगोड़ा हाल ही में 15 मई 2018 को चुनाव के रिजल्ट के बाद
एमएलए डिक्लेयर हुए थे कांग्रेस के, और अभी एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है, जो काफी कांग्रेस के लिए भी और कर्नाटक के लिए भी और एक इंसान के लिए भी काफी दुख का विषय है। क्वेश्चन नंबर 9, IPL 11 में सर्वाधिक 37 छक्के लगाने वाले दिल्ली डेयर डेविल्स के किस विकेट कीपर बैट्समैन ने एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीता है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ क्या हो सकता है, आप सोचें, मैं बता देता हूँ आपको आंसर। आपका आंसर होगा दोस्तों ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन IPL 11 का अवार्ड मिला है। 37 छक्के लगा करके इन्होंने इसको हासिल किया है। टीम का नाम अगर पूछते हैं तो टीम होगा दिल्ली डेयर डेविल्स। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश लेटिन अमेरिकी देश नाटो में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है? इनमें से कौन सा कंट्री है लेटिन अमेरिका का जिसने नाटो में शामिल होने की अभी हाल ही में अनुमति दी है अपनी तो कैबिनेट की तरफ से? तो आपका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा देश अमेरिका नजदीक है, कौन सा अमेरिका से दूर है, ये चीजें आपको देख के चलनी पड़ेंगी। अगर यहाँ हम बात करते हैं लेटिन अमेरिका के, पुर्तगाल नहीं हो सकता क्योंकि पुर्तगाल लेटिन अमेरिका में नहीं है, पुर्तगाल यूरोप में है। फ्रांस भी लेटिन अमेरिका में नहीं है, फ्रांस भी यूरोप में है। कोलंबिया आंसर है इसका। कोलंबिया ने रिसेंटली एक घोषणा की है कि वो जल्दी ही नाटो का मेंबर बनेगा। नाटो की फुल फॉर्म है दोस्तों नॉन अटलांटिक ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका और मित्र राष्ट्रों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया एक सैन्य संगठन था, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन आज के समय है ये। तो इसका मेंबर हाल ही में कोलंबिया ने बनने की सहमति की है। कोलंबिया ने लेटिन अमेरिका का पहला देश होगा जो इसका मेंबर बनेगा। वेनेजुएला की बात करेंगे तो वेनेजुएला कभी बन ही नहीं सकता क्योंकि रिसेंटली इस संगठन को यूएसए होल्ड करता है ज्यादातर, और यूएसए ने हाल ही में वेनेजुएला के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक किसान के लिए 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा प्रदान करने की एक अनूठी योजना शुरू की है या उसके ऊपर काम कर रही है? तो आपका आंसर यहाँ होगा दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना सरकार राज्य में प्रत्येक किसान के लिए 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा प्रदान करने की एक योजना पर काम कर रही है। इसका क्वेश्चन आपका आंसर आपका तेलंगाना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री यानी सेंट्रल ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन हो सकता है? इसका क्वेश्चन भी आपको यह आंसर देना चाहिए। हाल ही में या वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? इसका क्वेश्चन आपको वीडियो के बाद मुझे नीचे कमेंट लिस्ट में देना है कि हाल ही में HRD मिनिस्टर भारत में कौन है जिसके अंडर में एजुकेशन भी आता है और काफी सारे मुद्दे विशेष के अंदर काउंट होते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का पद हाल ही में किसके पास है, ये आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा समग्र शिक्षा, यानी HRD मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के समग्र विकास हेतु समग्र शिक्षा नामक एक कैंपेन, एक योजना नई शुरू की है। इसके अनुसार होगा क्या प्रकार, इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, इससे स्कूलों के बच्चों का मेंटली और साइकोलॉजिकली और बेसिक डेवलपमेंट होगा, ये आजकल बताया जा रहा है। तो आपको अपना आंसर याद रखना है, फिलहाल HRD मिनिस्टर भारत सरकार में कौन है उसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। देखते हैं कितने, शिमला और चंडीगढ़ के बीच हेली टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है, यानी सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि चंडीगढ़ और शिमला के बीच जो हेली टैक्सी सेवा है उसका उद्घाटन कौन सा स्टेट कर सकता है, और अगर यहाँ भी बात नहीं बन रही है तो जयराम ठाकुर भारत के किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास खुले हैं। तो दोस्तों आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर हैं और शिमला और चंडीगढ़ के बीच में हेली टैक्सी सेवा का उद्घाटन हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हेली टैक्सी सेवा का उद्घाटन किन दो शहरों के बीच है, तो आंसर होगा शिमला और चंडीगढ़। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला और चंडीगढ़ के बीच हेली टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर दो है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ब्रैडन मैकलम ने 2 जून 2018 को कितने साल बाद रग्बी खेला है? दोस्तों ब्रैडन मैकलम न्यूजीलैंड के एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, पूर्व कप्तान रहे हैं, और जिन्होंने हाल ही में एक रग्बी का मैच खेला है, कहा जा रहा है उन्होंने ये मैच 18 साल के बाद खेला है।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ब्रैडम मैकलम ने 18 साल बाद रग्बी मैच खेला। मैकलम ने यह मैच वाइकाटो प्रतियोगिता में यूनाइटेड माटा माटा सपोर्ट्स बी की ओर से हिन्यूरा बी के खिलाफ खेला है। तो ये चीजें भी आपको देखनी है। वाइकाटो में खेला गया, यूनाइटेड माटा माटा सपोर्ट्स बी की तरफ से खेला गया और हिन्यूरा बी जो उसके अपोजिट में टीम थी उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 3, स्विट्जरलैंड के इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड जिसे कहा जाता है, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड की स्टडी के मुताबिक किस शहर में एक कर्मचारी सालाना 3,314.7 घंटे काम करता है, जो दुनिया के 77 प्रमुख शहरों में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के यूबीएस बैंक ने अभी एक स्टडी की है कि दुनिया का एक ऐसा शहर है जिसका हर व्यक्ति एक साल में 3,314.7 यानी 3,314 से भी ज्यादा घंटे काम करता है, जो दुनिया के 77 मेन शहरों में सबसे ज्यादा है। इसका आंसर रहेगा दोस्तों मुंबई। मुंबई के बारे में ये हाल ही में बेहद चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड के इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस की स्टडी के मुताबिक मुंबई में एक कर्मचारी जो एक साल में 3,314.7 घंटे काम करता है, यह दुनिया के 77 प्रमुख शहरों में सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ऐप के जरिए देश के लोगों से उनके क्षेत्रीय सांसदों और विधायकों का फीडबैक मांगा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के लोगों से फीडबैक मांगा है, किसके लिए? उनके क्षेत्र के सांसदों यानी एमपी लोगों और अपने अपने एरिया के एमएलए के खिलाफ या उनके बारे में फीडबैक मांगा है कि वो कैसा कर रहे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपने जो सपने लेकर उनको चुना था उन पे वो खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, ये फीडबैक उन्होंने हाल ही में मांगा है। कौन सी ऐप पर? नमो ऐप। नरेंद्र मोदी की सबसे चहेती और मनपसंद एप्लीकेशन नमो ऐप है, जिसके ऊपर जनता को ये जवाब देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए देश के लोगों से उनके क्षेत्रीय सांसदों और उनके विधायकों का फीडबैक अभी मांगा है। क्वेश्चन नंबर 5, सेबी ने शराब कारोबारी विजय माल्या के पूंजी बाजार में कारोबार करने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? भारत का जो सेबी है उसने हाल ही में विजय माल्या पर प्रतिबंध लगा दिया है कि वह पूंजी कारोबार में कुछ समय तक कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आंसर आपका क्या होगा, कितने साल के लिए बैन लगाया गया है? 3 ईयर्स, 3 साल के लिए हाल ही में इस बैन को लगाया गया है, आगे इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। सेबी ने शराब कारोबारी विजय माल्या के पूंजी बाजार में कारोबार पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और सिंगापुर के बीच 1 जून 2018 को रक्षा यानी डिफेंस, आर्थिक सहयोग यानी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के बीच के लेकर के कितने समझौते पर साइन हुए हैं? दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहेगा, इंडिया और सिंगापुर के बीच कितने समझौतों पर साइन हुए हैं? 8 समझौतों पर साइन हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री वहां की यात्रा पर गए और वहां 8 समझौतों पर साइन हुए। कब हुए? 1 जून को, और ये समझौते डिफेंस और इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेकर के हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, भारत और सिंगापुर के बीच 1 जून 2018 को रक्षा और आर्थिक सहयोग क्षेत्र में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने पत्रकारों हेतु गोपा बंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना नामक योजना स्टार्ट की है? दोस्तों, काफी अच्छी पहल है, क्योंकि जगह जगह पर पत्रकारों के साथ भी ज्यादतियां होती हैं। हालांकि भारतीय मीडिया एक बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आम इंसान के मन में ये चीज चली गई है कि देश का कोई मीडिया चैनल साफ नहीं है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथों बिका है तो कोई किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की चमचागिरी करता है, न्यूज पर दिखाई जाने वाली हर खबर से लोगों का विश्वास उठ चुका है, सारे के सारे चैनल आजकल बिके हुए नजर आते हैं। इस खतरनाक माहौल में कोई एक ऐसा राज्य है जिसने पत्रकारों के लिए एक स्पेशल स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है, जिस स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम है गोपा बंधु संसद। गोपा बंधु संसद स्वास्थ्य योजना दोस्तों रिसेंटली उड़ीसा ने लागू करी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च किया है। स्टेटमेंट देख लेते हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ये भी याद रखना अपनों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर आजकल नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने पत्रकारों के लिए गोपा बंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। पहले चरण में 3,233 कार्यरत पत्रकारों को सालाना 2 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस मंत्रालय ने नई योजना सेवा भोज योजना शुरू की है। दोस्तों हाल ही में एक मंत्रालय ने, भारत सरकार के एक मंत्रालय ने सेवा भोज योजना को लॉन्च किया है। ये योजना किसकी हो सकती है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, ती रक्षा मंत्रालय सी में, और डी में गृह मंत्रालय। तो आपका आंसर दोस्तों रहेगा संस्कृति मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 और 19-20 के लिए 325 करोड़ रुपए की लागत से सेवा भोज योजना नामक नई योजना लॉन्च की है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सेवा भोज योजना के ऊपर कुल कितनी लागत बताई गई है। 326 करोड़ रुपए आंसर होगा उस अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने मई 2018 में 15 जिलों में पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर, जिन्हें हम OSC कहते हैं, वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने के फैसला किया है या घोषणा की है? आपका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा ने महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए 15 और जिलों में OSP सेंटर खोले जाने की घोषणा है। OSP सेंटर का संबंध अगर पूछते हैं तो महिला सुरक्षा से आपका आंसर आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के शेष 15 जिलों में अतिरिक्त 15 वन स्टॉप सेंटर और खोले जाने की स्वीकृति दे दी है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने शून्य आधारित प्राकृतिक खेती स्केल आउट योजना शुरू की है। भारत का कौन सा राज्य है जिसने शून्य आधारित प्राकृतिक खेती यानी जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग या एग्रीकल्चर कह सकते हैं, जिसका नाम है आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड में किया सुपर लीग में उपस्थित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन होगी, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन होगी? दोस्तों किया सुपर लीग इंग्लैंड के क्रिकेट लीग है जो 22 जुलाई 2018 से होने वाली है। इस टीम के लिए जो भारत की तरफ से चुनी गई पहली महिला है उसका नाम है समृति मंधाना। समृति मंधाना उनका नाम है जो 40 T20 मैच खेल चुकी है और 40 T20 मैचों में उन्होंने जो रन बनाए हैं उनकी संख्या रही है 826। इस महीने में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भी भारत में महिलाओं में 76 के आधार पर उनका है और उनको इंग्लैंड की किया सुपर लीग के अंदर एक खिलाड़ी के रूप में खेलने का सौभाग्य इंडिया की तरफ से पहली महिला के रूप में मिला है और उनकी टीम होगी वेस्टर्न स्टार्म टीम। वेस्टर्न स्टार्म टीम के अंदर उनको चुना गया है। तो ये कई सारी चीजें आपको देखनी है। समृति मंधाना पहली भारतीय महिला है जो इंग्लैंड की किया सुपर लीग में खेलेगी। 22 जुलाई से टूर्नामेंट होने वाली है। टीम का नाम है वेस्टर्न स्टार्म टीम और 40 T20 मैच ये लड़की खेल चुकी है। भारत की युवा खिलाड़ी है और 76 इनका इस महीने का स्कोर टॉप रहा है भारत की महिलाओं में और 40 T20 मैचों में 826 रन इन्होंने अभी तक बना लिए हैं। ये डिटेल इसकी थी। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सोयाज 2.1B वाहक रॉकेट का उपयोग करके किस देश ने सफलतापूर्वक ग्लोनस एम पोजिशनिंग उपग्रह लॉन्च किया है। ग्लोनस एम पोजिशनिंग सैटेलाइट लॉन्च करने वाला दुनिया का कौन सा देश जिसने सोयाज 2.1B वाहक रॉकेट का प्रयोग किया है? आपका आंसर होगा साथियों रसिया। रसिया ने एक करिश्मा करके दिखाया है। तारीख रही 17 जून 2018 को रसिया ने यह कारनामा किया है। यह एक ऐसी सैटेलाइट होगी जो यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट के बराबर की सैटेलाइट है। इसका काम है सतह पर, समुद्र में या वायुमंडल में वस्तुओं के लिए रियल टाइम पोजिशनिंग डिटेल प्रदान डाटा प्रदान करना। रियल टाइम पोजिशनिंग डाटा देना इसका काम होगा और इसका बराबरी का जो सैटेलाइट दुनिया के अंदर आज मौजूद है यानी मुकाबले में ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट जो यूएसए की है उसके बराबर की सैटेलाइट रसिया ने ये तैयार की है, लॉन्च की है, जिससे रसिया दुनिया की बड़ी महाशक्ति यूएसए के बराबर एक बार फिर आकर खड़ा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किए एक अध्ययन के अनुसार समुद्र में कचरे के लिए
10 नदियां जिम्मेदार हैं, इनमें भारत की कौन सी नदी दूसरे स्थान पर है। हम ये भी देखेंगे दुनिया की पहले नंबर पे कौन है, दूसरी इंडिया की है, तो ये तो देखना ही देखना है। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुद्दा क्या है। दोस्तों, दुनिया के अंदर पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है, और समुद्र में कचरे फैलाने के लिए जो 10 नदियां हैं वो एक उनको एक प्रकार के लिए पॉइंट हाल ही में किया गया है। दोस्तों, समुद्र में जितना भी कचरा है उसका 90% कचरा नदियों के द्वारा आता है, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी नदियां समुद्रों के अंदर अपने आप को आखिर में समा देती हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन के माध्यम से यह कचरा ज्यादा आता है। जैसा कि आपको पता है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर के चाहे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो चाहे वर्ल्ड अर्थ डे हो, दुनिया पूरी जागरूक है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। अलग अलग दिनों पर प्लास्टिक को रोकने के कैंपेन और थीम चलते हैं। तो दोस्तों, इसमें इंडिया की कौन सी नदी है जो प्लास्टिक पॉल्यूशन या दूसरे टाइप का पॉल्यूशन हो वो लेकर के समुद्र में गिरती है? आपका आंसर होगा गंगा। गंगा दुनिया की दूसरे नंबर की नदी है जो समुद्र में कचरे को फैलाने में नंबर 2 पर हाल ही में शामिल हुई है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ये भी यहाँ देखना जरूरी है कि दुनिया की पहली नदी कौन सी है। दुनिया की पहली नदी दोस्तों है यांगत्ज़े। यांगत्ज़े जो चाइना की नदी है वो दुनिया की पहले नंबर की नदी है, और गंगा जो है वो दुनिया की दूसरे नंबर की नदी है जिसने समुद्र में सबसे ज्यादा कचरा फैलाने का काम हाल ही में किया है। एक चीज और बता दूं दोस्तों, 10 नदियां शामिल की गई हैं इस लिस्ट में। 10 में से टॉप 8 नदियां जो हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट की हैं, यानी कहने का मतलब है एशिया का पॉल्यूशन में आज के समय एक बड़ा रोल माना जा रहा है। इसे कंट्रोल करना होगा। नदियों की सफाई पे देश की सरकारें जो खर्चा लगा रही हैं उसमें हमने भी योगदान देना होगा, ये जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोलंबिया के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीते हैं? कोलंबिया के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में चुनाव जीता है इवान ड्यूक ने। इवान ड्यूक कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। युवा राष्ट्रपति है कोलंबिया के, आज तक के सबसे युवा है, उनकी एज बताई जा रही है 41 वर्ष। 41 की एज में उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, मैसेडोनिया ने हाल ही में अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? मैसेडोनिया ने अपना नाम बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य रखा है। उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य उसने अपना नाम रखा है। मैसेडोनिया वर्ल्ड मैप में है कहाँ? साउथ ईस्ट यूरोप का एक देश है। साउथ ईस्ट यूरोप में ये मौजूद है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ अपने एक द्वीप पर नौसैनिक परियोजना रद्द करने की घोषणा की है? दोस्तों, इसका आंसर होगा सेशेल्स। सेशेल्स ने हाल ही में घोषणा की है कि वो भारत के साथ एक द्वीप पर नौसैनिक परियोजना को रद्द कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, किस नासा अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताया है? ये एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है, इन्होंने एक रिकॉर्ड को तोड़ा है और ये एक नया रिकॉर्ड नासा के इस युवा साइंटिस्ट ने बना दिया है। दुनिया के अंदर कई सारे साइंटिस्टों ने, चाहे नासा हो चाहे इसरो हो चाहे दुनिया की एजेंसियां हो, उन्होंने अंतरिक्ष में रहने के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों में बनाए हैं। हाल ही में एक रिकॉर्ड तोड़ा गया है, और जो रिकॉर्ड तोड़ा गया है उस इंसान का नाम है जिसने तोड़ा, पेगी विट्सन। पेगी विट्सन ने रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पेगी विट्सन यूएसए के एक युवा साइंटिस्ट हैं, यूएसए के एक युवा साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हाल ही में 666 ट्रिपल सिक्स डेज अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है, और उन्होंने इस रिकॉर्ड जिस रिकॉर्ड को तोड़ा है वो रिकॉर्ड था पहले 543 दिन 2 घंटे और 48 मिनट। ये रिकॉर्ड जेफरी विलियम्स के नाम था। और ये एक और बता दूं मैं आपको, ये अंतरिक्ष में रहने की टाइमिंग है। अंतरिक्ष में रहने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड पेगी विट्सन के नाम है, 666 दिन। लेकिन अगर अंतरिक्ष की कक्षा की बात करेंगे, अगर ऑर्बिट की बात करेंगे, तो फिर आपका आंसर बदल जाएगा। अगर कक्षा की बात करते हैं दोस्तों, तो कक्षा के आधार पर जो रिकॉर्ड है वो 879 दिन का है, और वो एक रूसी वैज्ञानिक हुआ करते थे गोनादी प्लाक्स का, उनके नाम रिकॉर्ड रहा था ये। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मूल के किस अमेरिकी महिला को अमेरिका के सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में जनरल मोटर ने किस भारतीय महिला को हाल ही में नियुक्त किया है? आंसर होगा दोस्तों आपका दिव्या सूर्यदेवरा। दिव्या सूर्यदेवरा को यूएसए की एक सबसे बड़ी कंपनी जनरल मोटर ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैसर्स एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को अधिकतम किस सीमा तक अतिरिक्त शेयर पूंजी बढ़ाने के प्रस्ताव को हाल ही में स्वीकृति दी है? आंसर रहेगा 24,000 करोड़। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैसर्स एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को सब ज्यादा से ज्यादा 24,000 करोड़ तक की शेयर पूंजी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने पहले विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों किस देश में किया है? आंसर होगा वियतनाम। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने वियतनाम में, दुनिया के अंदर पहली बार भारत ने बाहर जाकर के कदम रखा और वियतनाम में पहले विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सोलर चरखा मिशन का पहला चरण निम्नलिखित में से कितने क्लस्टर में लॉन्च किया जाएगा? सोलर चरखा मिशन दोस्तों जो एक सोलर एनर्जी को बढ़ाने का भारत सरकार का और मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया का एक बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उसका जब पहला चरण होगा वो कितने क्लस्टर में लॉन्च किया जाएगा? आंसर होगा 50। पहले इसको 50 क्लस्टर में लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के देश के लोगों के पूरी दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी रखता है, उसके मानकों के मुताबिक भारत के लिए प्रति लीटर पानी में यूरेनियम की मात्रा कितने माइक्रोग्राम तय की गई है? दोस्तों आपका आंसर होगा 30 माइक्रोग्राम। WHO के मानकों के अनुसार भारत के लिए प्रति लीटर पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम तय की गई है। आज की वीडियो में दोस्तों